चलो हमें बताइए। देखिए 5 मई 2021 को हमारे पास एक रिपोर्ट आया, मेलोरा इलाके से एक कंप्लेनेंट आया और जिसने ये बोला कि पिछली रात को उसके घर में 6-7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स आए। उन्होंने कॉर्डन किया, कॉर्डन करने के दौरान उसके घर में सर्च करने के बहाने घुसे और सर्च के दौरान उसके घर से काफ़ी सारी ज्वेलरी और पैसा लूट के चले गए, जिसमें हमने FIR रजिस्टर किया, FIR नंबर 107/2021। सब्सिक्वेंटली अभी हम उसकी उस केस की तफ्तीश कर ही रहे थे कि 7-8 जुलाई को होकर सर इलाके से फिर से हमारे पास एक कंप्लेनेंट आता है और उसने भी सिमिलर टाइप का कंप्लेंट दिया कि 6-7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स उसके घर में घुसे। घर में घुसने के बाद घर वालों को एक कमरे में बंद किया, उनके मोबाइल ले लिए और मोबाइल लेने के बाद घर में सर्च के बहाने सर्च के दौरान उनके घर से काफ़ी सारा सोना और कैश लेके चले गए, जिस पे हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जिसकी सुपरविजन SDPO वेस्ट खुद कर रहे थे, SHO पारिमपुरा और उनके और 2-3 ऑफिसर्स को हमने उस टीम में रखा और उस टीम ने टेक्निकल डेटा के बेसिस पे, टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पे कुछ क्ल्यूज़ निकाले। उन क्ल्यूज से 3-4 लोगों पे हमने ज़ीरो इन किया, डिफरेंट जगहों पे रेड किया, रेड करने के बाद लोगों को अरेस्ट किया। जब लोग अरेस्ट किए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उन लोगों ने ये कन्फेस किया कि हाँ हम लोगों का एक ग्रुप है जो कि इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता था कि पहले घर की रेकी करेंगे और घर वो चूज़ करते थे जिस घर में या तो नई नई शादी हो रही हो या नई नई शादी हो चुकी हो, ताकि उस घर में उनको सोना और कैश आराम से मिले। वो प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग पहले ही कर लेते थे कि उस घर में कहाँ से घुसना है, कैसे कैसे सर्च करना है, उस घर के अंदर कितने बाशिंदे रहते हैं, वो कब खाना खाते हैं, कब सोते हैं, वो सारी चीज़ों की रेकी करने के बाद वो इस चीज़ को अंजाम देते थे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके इंकशाफ पे अभी तक हमने करीब करीब 22 लाख रुपए का सोने की जो आइटम्स हैं वो बरामद की है, 3.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है और एक गाड़ी जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए होगी, जो उन्होंने चोरी के सामान से चुको बेच के गाड़ी खरीदी है, वो रिकवर की गई है। जो सामान ये चोरी करने के दौरान जो ये पहनावा इस्तेमाल करते थे, 6 कॉम्बैट ड्रेसेस हमारे पास अभी तक रिकवर हुई है, जिनमें बेल्ट, कैप्स और शूज़ हैं। 4 इन लोगों ने डमी AK-47 जो अभी तक हमें 5 डमी AK-47 हमें अभी तक इन्होंने रिकवर करवाई है और 4 डमी पिस्टल्स हमें अभी तक रिकवर कराई है। कुछ ब्लैक कलर की आयरन रॉड्स भी हैं जिनका इस्तेमाल ये मोस्ट लाइकली ताला वगैरह तोड़ने के लिए करते थे। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने चोरी करने के लिए किया है, उनमें से अभी तक एक गाड़ी हमने बरामद की है। कुछ अरेस्ट अभी हमें करनी बाकी है, कुछ और अरेस्ट होंगी, कुछ और रिकवरीज करना एक्सपेक्टेड है। थैंक यू। तो सर हमें बताइए, ये सारे के सारे लोकल ही हैं, मागाम एरिया के रहने वाले हैं और इनका डिटेल्ड जो नाम है, डिटेल्स जो है, डिटेल्ड प्रेस नोट आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मीडिया सेल से मिल जाएगा, जिसमें सारी रिकवरी की डिटेल्स भी होगी और जो 10 लोग अभी तक हमने अरेस्ट किए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन। तो सर जो आपके अभी तक जो रिकवरीज हुई है, उन रिकवरीज के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारा सामान रिकवर हो चुका है, लेकिन कुछ और रिकवरीज करना एक्सपेक्टेड। सर आपने उस पहलू को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इतनी सारी यूनिफॉर्म्स बल्क में इन्होंने कहाँ कहाँ से अरेंज की है, उस पहलू पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर
की गाड़ी है और अभी और रिकवरीज एक्सपेक्टेड है जो कि आने वाले दिनों में हम रिकवर करेंगे। सर लोकल आए दिनों हमारे पास हाईवे रॉबरी के केसेस या हाईवे पे गाड़ियां रोक के लोगों को लूटपाट के केसेस भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। हम उन केसेस की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू दैट कि क्या इन लोगों की उसमें भी मुलव्वस है कि नहीं। ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर रिकवरी ऑन आवर पार्ट और हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई घर में आता है कॉम्बैट ड्रेस पे भी आ रहा है तो उनको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी इलाके में कॉर्डन लगता है, किसी घर में सर्च हो रही होती है, तो वो एक ऑफिसर लेड पार्टी होती है और ऑफिसर जाके खुद घर वालों को एक साइड पे करता है, उसके बाद सर्च उस घर की सर्च की जाती है। देखिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बताया है ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म सिर्फ ये इसको इस क्राइम को करने के लिए ही पहना करते थे। नॉर्मल रूटीन में क्राइम कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के नहीं चलते।